हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं पुराने खंडर, पुराने जगह, यानी जो वर्षों से टूटा पड़ा है, ब्रिटिश के टाइम से टूटा पड़ा है, वो रेलवे स्टेशन, वो जगह को मैं यहाँ पे थोड़ा देखने आया हूँ, एक्सप्लोर करने आया हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी इन कर रहा हूँ। पता नहीं ये एरिया जो रे रोड के अंदर ही पड़ता है, मैं रे रोड आया हूँ तो सोचता हूँ मैं रे रोड सारे एक्सप्लोर कर लूँ। ये पूरा पूरा ये गिर चुका है। मुझे पता नहीं कि ये कब अपने ऊपर आ जाएगा। ये इधर का हिस्सा पहले मुझे लगता है कि ये ब्रिटिश के टाइम का घर बना हुआ। इनका जो ईटे ईट वगैरह भी है बहुत छोटा है, जो पहले का लोग यूज करते थे। ये दूसरी तरफ का जो हिस्सा है रे रोड के, जस्ट हम लोग ईस्ट वाले साइड आते हैं, ईस्ट वाले जैसे शायद आते हैं, तो आपका ये पूरा ब्लॉग दिख रहा होगा कितना खंडर है। इधर से मैं आपको आगे से भी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लोग सब, गंदगी भी ज्यादा है, या म्यूनसिपैलिटी का गाड़ी वाला लगा हुआ भी। मैं इधर से भी घुसता हूँ। ये पार्ट, ये एरिया पूरा पूरा ये टूट चुका है, यानी मतलब ये मुझे लगता है कि इसको गवर्नमेंट को रीडेवलपमेंट के लिए जाना चाहिए। अब पता नहीं ये जो है जिस चीज के लिए है वो उसका अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं। ये तो पूरा घर खंडर बन चुका है। देखता हूँ मैं थोड़ा इधर आगे चढ़ के। ये जगह, ये पूरे पुरानी बरगद, बरगद में पुरानी ये जो बर का पेड़ है, यानी ये जिनकी जड़ें इतनी मजबूत होती है, ये सौ सौ साल तक रहते हैं। मैं खंडर वाले घर में इन कर लिया हूँ भाई। मैंने ऐसे पुरानी पुरानी किला जो अंग्रेजों के टाइम और मुगलों के टाइम जो बना हुआ होता था, इनका जो स्ट्रक्चर होता था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता था। ये पूरे इधर तक झाड़ बन चुका है, इधर पूरा एरिया। उधर पे आपको मैंने बताया था कि बस वगैरह लगे हुए हैं। ये वाले एरिया में भी ये बड़े बड़े, मुझे ऐसा लगता है कि फैक्ट्री टाइप का ये जगह था। यहाँ पर अभी सब लोगों ने गंदगी फैला के रखा है, क्योंकि खाली जगह होने की वजह से आपको इधर पर आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो ये आसपास में कोई देखता हूँ, यहाँ पे है अंकल लोग। ये एरिया, जगह पूरा खंडर। पूरे ये एक तरह से पूरा क्लोज हो चुका है। यहाँ पे एक अंकल हैं खड़े हुए। अंकल ये कौन सा जगह पड़ता है? अंकल ये कौन सा जगह है? ये रे रोड का ये जो मतलब घर वर जो पुराना है, ये मतलब किसी का ऐसे गवर्नमेंट के सेक्टर का है या फिर ऐसे ही? पहले गोडाउन था, पहले गोडाउन था, अभी मतलब इसका कोई यूज नहीं है। सब कौन सा में आता है? बीपीडी। अच्छा, ये कोई मतलब ये गवर्नमेंट का ही है, मतलब गोडाउन था, अभी मतलब ये खंडर बन गया। मतलब ये जब बस वस सब जो लगा हुआ है सब ऐसा ही है, सब लगा हुआ है, सब पार्किंग दिया हुआ है। ये पेड पार्किंग होता है, ये पेड पार्किंग है। ये सर पेड मतलब पैसा दिया जाता है इसके पार्किंग के लिए, पैसा देते हैं। अच्छा, वहाँ पे ये लगा हुआ है। अच्छा, वहाँ से जब रोड से इन करते तो वहाँ से पौधी लेकर के तब यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं। ओहो, अच्छा मुझे थोड़ा सा रे रोड उधर से भी मतलब ब्रिज जब इंड करती तब इधर से आने का रास्ता होता, क्योंकि इधर हाईवे, इधर से मैं रोड का तो मैं कोई देख ही नहीं रहा हूँ इधर से। अच्छा, इधर से अच्छा अच्छा, थैंक यू। आप ये डोजर या फिर चलाते हो? अच्छा, मतलब आप ये म्यूनसिपल की तरफ से हो? अच्छा, तो आप ऐसे गवर्नमेंट सर्विस से हो या प्राइवेट से आपको ये किया गया? नहीं, नहीं, ये गवर्नमेंट से अपने बता, तो नौकरी करते हैं। अच्छा, मतलब आप ऐसे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के अंदर नहीं हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से हो? नहीं, नहीं, अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारे चीज बताया जो मुझे मालूम नहीं था। देखते हैं आगे का, क्योंकि मैं इधर तक खंडर बहुत ज्यादा है, मैं उधर भी देखता हूँ एक्सप्लोर कर पाता हूँ। अच्छा, इधर में अंदर इन कर सकते क्या या अलाउ नहीं करते? मतलब अंदर घर के अंदर जाने वाने के लिए, देखने वखने का? हाँ, खतरा तो है।
चलो ठीक ठीक है, थैंक यू, हाँ थैंक यू सो मच। सो गाइज, मैंने अभी यहाँ पे देखा था जो म्यूनसिपैलिटी वाले जो एम्प्लॉय थे, उन जो डोजर काम करते हैं, कचरे उठाने वाले जो काम करते हैं, उनसे थोड़ा मैंने बातचीत की और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ दोस्त, क्योंकि यहाँ पे इलाका जो है मैंने सोचा था ये नॉर्मली ये गवर्नमेंट सेक्टर से है, और गवर्नमेंट सेक्टर की ये पेड पार्किंग है। ये मैं दूसरी तरफ का एरिया मैं दिखाता हूँ आपको, ये है, ये एक गवर्नमेंट का गोडाउन था जो अभी गोडाउन अभी पूरा भस चुका है। ये देख रहा, मुझे ये लगता है कि टॉयलेट वायलेट वगैरह के लिए था। तो ये बसेज वगैरह जितने लगे हुए हैं, आई थिंक ये सब पेड पार्किंग है। मुझे पहले लगा था ये सब ऐसे ही है, जगह खाली है तो लगा दिया गया, बट लेकिन ये सब पेड पार्किंग है। इधर भी पूरी झाड़ है, इधर भी पूरा इलाका इधर का ये बना हुआ है। इधर में थोड़ा मैं देख लेता हूँ भाई, इधर भी पूरी तरह से झाड़, एकदम पूरा बंधी हुआ है दूसरी तरफ। थोड़ा मैं अंदर एक बार इन करता हूँ। ये सारे गोडाउन, लोग कहते हैं कि सारे पहले ये गोडाउन थे, ये वॉशरूम वगैरह के लिए है जो दिख रहा है, टाइल्स वगैरह लगा हुआ है। ये गोडाउन यानी घर तो हो नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा घर तो बना नहीं सकते। ये सारे जो हैं ये गोडाउन थे, और गोडाउन को अभी पूरा ख़त्म हो गया है। गवर्नमेंट इसका कोई यूज नहीं कर रही, शायद हो सके आने वाले कल में इसका अच्छा यूज कर सके। ये देखो, ये टॉयलेट थी जो गोडाउन के अंदर की थी, और ये खंडर। हाँ गाइस, थोड़ा मेरा फास्टिंग है तो आज का ब्लॉग हम यहाँ पे एंड करेंगे। आई होप आपको ये छोटा सा रे रोड के बाहर का जो मैंने दिखाया एरिया पार्ट, जो खंडर बन चुका है, जो पहले गोडाउन थी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह के एरिया जहाँ पे और भी मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जहाँ पे ब्रिटिश के टाइम का, मुगलों के टाइम का जो बना हुआ है, उस जगह को मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि इन्वेंशन जो पहले लोग किया हुआ था कितना अच्छा से किया हुआ था और कैसे किया हुआ था। तो मिलते हैं गाइस न्यू ब्लॉग में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज, जय हिंद। हम्म